टॉपिक चल रहा था ओवरलैपिंग। तो अगर अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको ओनली 3 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ने को मिलेगी। एक तो आपके पास एसएस, एक आपके पास एसटी और एक आपके पास पीपी। पीपी को फिर 2 टाइप में क्लासिफाई कर रखा है, किसमें? एक आपके पास पीपी को एक्सियल और दूसरा आपके पास कौन सा जाता है, पीपी को लेटरल। जो आपके पास एस एस ओवरलैपिंग है ये नॉन डायरेक्शन होती है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी कोई डायरेक्शन नहीं रहती है। एस टी है वो डायरेक्शन रहती है। अब जो एस एस है, एस टी है और पी पी कोलेटरल है, इससे तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और पी पी कोलेटरल जो है उससे आपके पास कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे? सिग्मा बॉन्ड मैंने बताया था कि अगर ओवरलैपिंग जो है वो अलोंग द सेंटर ऑफ द एक्सिस हो रही हो, ओवरलैपिंग जो है वो अलोंग द सेंटर ऑफ द एक्सिस हो रही हो, सेंटर ऑफ द एक्सिस, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और अगर साइड ऑन ओवरलैपिंग हो रही हो तो साइड ऑन ओवरलैपिंग में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आपके पास, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो एसएस ओवरलैपिंग है, एसपी ओवरलैपिंग है और पीपी को एक्सियल ओवरलैपिंग है, इसमें ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। पीपी कोलेटरल है उसमें कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का। एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं कि पहले पाई का हो जाएगा सिग्मा का, होगा ही नहीं। पहले कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा का, और उसके बाद कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो 3 टाइप की ओवरलैपिंग अपन पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग। 2 टाइप की आपके पास ओवरलैपिंग और आती है, एक तो आता है आपके पास पीडी ओवरलैपिंग। पीडी ओवरलैपिंग और एक आपके पास आता है डीडी ओवरलैपिंग। पीडी ओवरलैपिंग एंड डीडी ओवरलैपिंग, इन दोनों ओवरलैपिंग से भी आपके पास कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का। यानी कि ये दोनों ओवरलैप होंगे ऑर्बिटल्स तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये दोनों ऑर्बिटल अगर ओवरलैप होंगे तो भी कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का। क्योंकि इन दोनों टाइप की ओवरलैपिंग में ऑलवेज हमेशा क्या होता है, साइड ऑन ओवरलैपिंग होगी और साइड ऑन ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको अपन कहते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको अपन कहते हैं डी पाई बॉन्ड। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपके पास मॉलिक्यूल है इसमें कितने पी पाई डी पाई है, कितने आपके पास डी पाई है और कितने आपके पास पी पाई है। यानी कि ये जो ओवरलैपिंग होगी उसमें हमेशा जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन कहेंगे पी पाई बॉन्ड। तो अभी अपन पढ़ेंगे कि पी डी ओवरलैपिंग क्या है, डी डी ओवरलैपिंग क्या है, पी पाई डी पाई बॉन्ड कैसे पता चलता है कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है तो उसमें कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सब चीजें अपन आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलते आगे, आइए देखिए कि पी डी ओवरलैपिंग क्या होती है। पी डी ओवरलैपिंग में क्या होगा, एक तो आपके पास पी ऑर्बिटल और एक आपके पास कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, डी ऑर्बिटल।
पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप्ड होंगे तो कौन से ओवरलैपिंग करेंगे, पी डी ओवरलैपिंग। पी एस एस में क्या था, दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप्ड हो रहे थे। एस पी में क्या था, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल। पी पी में क्या था, दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप्ड हो रहे थे। पी डी में क्या होगा, एक तो पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप कौन सी होती है कि सर, डंबल शेप। P ऑर्बिटल की शेप कौन सी होती है, डंबल शेप। कि एक तो आपके पास रहेगा P ऑर्बिटल और दूसरा आपके पास क्या रहेगा, D ऑर्बिटल। कि D ऑर्बिटल की शेप कौन सी होती है कि सर, डबल डंबल शेप। ये आपके पास P ऑर्बिटल हो गया और ये आपके पास कौन सा ऑर्बिटल हो गया, D ऑर्बिटल हो गया। इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी, इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी। ये आपके पास ओवरलैपिंग हो गई, इस ओवरलैपिंग को अपन क्या कहते हैं, पी डी ओवरलैपिंग। पी डी ओवरलैपिंग, इससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो आपके पास कौन सा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। क्योंकि धीरे धीरे न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, इसके कारण से बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो वीक बॉन्ड होगा। और जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये सर क्यों, मैंने आपको बताया था कि अगर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ओवरलैपिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द एक्सिस होनी चाहिए। यानी कि ये आपके पास सेंटर ऑफ द एक्सिस, ये आपके पास सेंटर ऑफ द एक्सिस, तो ओवरलैपिंग जो है वो ऐसे होनी चाहिए थी। बट यहाँ ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, साइड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। तो साइड ऑन ओवरलैपिंग में हमेशा कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का। तो जो पीडी ओवरलैपिंग रहेगा, पीडी ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कि सर होता कैसे है ये बता दीजिए, तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि कैसे पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो तीन टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल आ गया कि पी पाई डी पाई होगा, पी पाई डी पाई, पी पाई पी पाई होगा, डी पाई होगा। या यूं पूछ सकते हैं कि कितने स्पेसिफिक दे दिया कि कितने टू पी पाई और टू पी थ्री पी थ्री डी पाई बन सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से सारी चीजें समझेंगे। आपके पास एग्जाम्पल आता है एसओ थ्री का, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एसओ थ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहां पे सेंट्रल एटम जो है वो सेंट्रल एटम कौन सा है कि सर, सल्फर है। सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है कि सर, 16। मैंने कहा कॉन्फिगरेशन कि सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, ये इसका कॉन्फिगरेशन। दूसरा मैंने कहा एटम कौन सा है कि सर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है कि सर, 8। कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी 1s2, 2s2 और आपके पास क्या आ जाएगा, 2p4। ये ऑक्सीजन के लिए आ गया। ये ऑक्सीजन की वैलेंस सेल, ये आपके पास सल्फर की वैलेंस सेल। एक आपके पास ऑक्सीजन की वैलेंस सेल आ गई, एक आपके पास सल्फर। क्योंकि अपने को पता है कि जो ओवरलैपिंग जो होगी, जो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे, वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं ओवरलैपिंग। अब मैंने कहा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो आपने कहा कि सर अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर सर कुछ ऐसी आ जाएगी कि आपके पास सल्फर आ गया। सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन के, 1, 2, 3, 4 और 5, 6। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में भी
6 इलेक्ट्रॉन, 5 6, ये आपके पास ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कहा ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, तीनों में ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर की बात करें तो मैंने कहा कोवेलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट देगा उतने ही देगा। अब जो सल्फर है वो कौन से पीरियड का है? कि सर थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि उनके वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो सल्फर के पास क्या रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 6 और आ गए, ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास? 12। तो कैसी बनेगी? सल्फर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपके पास इसके स्ट्रक्चर आ गए। जब कोई पूछेगा कि सर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इन दोनों के बीच में? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। और जब भी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो और आपके पास कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? डबल बॉन्ड का। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 4 की। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 4 की। तो सल्फर जो है वो तीनों के साथ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? डबल बॉन्ड। अब मैंने कहा कि इसमें कौन सा, कितने सिग्मा है, कितने पाई बॉन्ड है, तो आप कहोगे कि सर इसमें 1 2 3 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और सर 3 जो है वो आपके पास पाई बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 आपके पास कौन से बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। मैंने कहा चलो ओके, आप बता दो कि कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, यानी कि कितने कितने बॉन्ड बने हैं? 2p पाई, और 2p पाई के कितने बॉन्ड बने हैं आप ये भी बता दो, यानी कि जो ओवरलैपिंग है वो कौन सी हुई है आप ये भी बता दो। सर वो नहीं बता सकते स्ट्रक्चर से, तो वो स्ट्रक्चर से नहीं बता चलेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि बात करें सल्फर की, तो सल्फर का वैलेंस से देखें तो आपके पास क्या है? 3s2 और क्या है? 3p4, 3s2 3p4, ये आपके पास सल्फर के वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल का कॉन्फिगरेशन, सल्फर के वैलेंस सेल का कॉन्फिगरेशन। मैंने कहा इसके अगर आप इसको एक्साइड करते हो तो जैसे यहां पे आपके पास क्या रहेगा? 3d और आ जाएगा। तो सर 3d क्यों? क्योंकि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3 है, तो आपके पास क्या क्या होंगे? 3s होगा, 3p होगा और आपके पास क्या होगा? 3d। 3d आपके पास क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो सर क्यों? क्योंकि 3d में अभी तक आपने कोई इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करा। मैंने कहा इसकी अगर कोवैलेंसी जो है यहाँ पे 2 थी, इसकी कोवैलेंसी अगर मैं 4 करूँ तो 4 कब होगी? कि आपके पास आ गया 3s2, आपके पास आ गया 3p3 और आपके पास आ गया 3d1। तो इस समय इसकी कोवैलेंस आपके पास क्या हो गई? 4 हो गई। और इसको अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मैंने कहा कोवैलेंस 6 करूं तो आप कहोगे सर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो s का इलेक्ट्रॉन है वो s का इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइटेड होगा? वो होगा d में, 3s1 3p3 और आपके पास इसका फॉर्मेशन होगा 3d2। इसको आप कौन सी एक्साइटेड स्टेट कहोगे? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब आपके पास कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? SO3 में कितने ऑक्सीजन एटम है? मैंने कहा 3 है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए देखिएगा 2s2 2p4
सेकंड ऑक्सीजन के लिए देखिएगा 2s2 2p4 और थर्ड ऑक्सीजन के लिए देखिएगा उसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन तो क्या रहेगा 2s2 2p4। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी डायरेक्शन में होंगे, वो अपोजिट स्पिन में होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी डायरेक्शन में होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिएगा पहले कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मैंने कहा पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा कि सर सिग्मा, ये हाफिल, ये ऑर्बिटल भी आपके पास हाफिल, दोनों ओवरलैप होंगे तो क्या हो जाएगा फुलफिल। तो एक आपके पास सिग्मा, ये भी आपके पास कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का, हाफिल एंड हाफिल, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, सिग्मा। ये भी आपके पास कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि सर ये भी सिग्मा होगा। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जो सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का। आपने कहा कि सर SO3 है इसमें तीन सिग्मा बनेंगे और थ्री क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक सिग्मा, सेकेंड सिग्मा और थर्ड सिग्मा, अब बनेंगे पाई बॉन्ड। ये आपके पास कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये करेगा पाई बॉन्ड का। ये कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये करेगा आपके पास पाई बॉन्ड का। और ये कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये भी आपके पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो थ्री तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, थ्री आपके पास कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पाई बॉन्ड का। अब पाई बॉन्ड है कौन सा वो देखेंगे अपन। सल्फर का भी आपके पास 2p, ऑक्सीजन का भी आपके पास 2p, तो वन होगा आपके पास पाई बॉन्ड 2p π 2p π। एक तो आपके पास क्या आ गया 2p π 2p π, और दो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड देखोगे आप तो सल्फर का तो 3d, ऑक्सीजन का 2p, सल्फर का 3d और ऑक्सीजन का आपके पास 2p। तो टू जो पाई बॉन्ड रहेंगे उसमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 2p π 3d π। ये टोटल आपके पास 3 पाई बॉन्ड की स्पेसिफिक पोजिशन आ गई कि किस किस के बीच में बनेगा 2p π 2p π। कौन से बॉन्ड में, ये आपके पास सल्फर का 2p और ऑक्सीजन का 2p। तो एक तो बॉन्ड हो गया 2p π 2p π। अब सल्फर का 3d, ऑक्सीजन का 2p, तो ये हो गया आपके पास p π d π। ये आपके पास कौन सा होगा, p π d π। तो दो एक बॉन्ड तो बनता है p π p π, और दो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, p π d π बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे जो है अपन pb ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो कैसे बताओगे SO3 में कितने लोन पेयर हैं, देखिएगा ऑक्सीजन जो है इसके पास दो लोन पेयर रहेंगे क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6, दो ने तो बॉन्ड बना लिए, कितने लोन पेयर है 2, यहाँ पे भी कितने लोन पेयर रहेंगे 2, यहाँ पे भी कितने लोन पेयर रहेंगे 2। सल्फर के पास कोई लोन पेयर है नहीं क्योंकि मैक्सिमम 6 कोवैलेंसी होती है और 6 बॉन्ड का ये फॉर्मेशन कर चुका है। तो आपको पूछ ले लोन पेयर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे। तो ये टोटल आपके पास इसका डाटा हो गया कि कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, 3 सिग्मा बॉन्ड का, कितने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, 3 पाई बॉन्ड का। कौन से पाई बॉन्ड बने, तो एक तो आपके पास p π p π बनेगा और दो आपके पास कौन से बनेंगे, p π d π बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके सर, ये भी समझ आ गया। कितने लॉन्ग पेयर होंगे, लॉन्ग पेयर आपके पास यहाँ पे कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। तो एग्जाम्पल और करते हैं, आप बताना उसका सारा कुछ, कितने लॉन्ग पेयर हैं, क्या है, कैसे है, आइए देखते। SO4-2 स्ट्रक्चर आपको पता है SO4-2 की क्या रहती है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O- और O-,
आपको ये बता रहा है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है और कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उसके साथ ये बताना है कि कौन पी पाई कितने बॉन्ड बन रहे हैं और पी पाई डी पाई कितने बॉन्ड बन रहे हैं। जल्दी से बताइए, एक मिनट है आपके पास। सेंट्रल आइटम जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, सल्फर। मैंने कहा सल्फर का कॉन्फिगरेशन बता दो, तो आपने कहा सर सल्फर का वैलेंस सेल का 3s2, 3p4 और 3d0 ये कौन से स्टेट का है, ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फिगरेशन। मैंने कहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, तो आपने कहा 3s1, 3p3, 3d1 ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। सेकंड का कि सर 3s1, 3p3 और आपके पास 3d2 ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट का। अब ज्यादा लंबा चौड़ा जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दो मिनट में हो जाएगा। देखो कैसे कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि सर 4 तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होंगे, कि सर कैसे 1, 2 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा, और 2 आपके पास कौन से बॉन्ड होंगे, कि सर 2 पाई बॉन्ड होंगे, 4 सिग्मा होंगे और 2 आपके पास क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। अब देखिएगा, मैंने कहा पहले तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कि सर पहले सिग्मा का होगा। कितने सिग्मा बन रहे हैं, कि सर 4 बन रहे हैं, तो ये तो क्या करेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये तो क्या करेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और डी वाले जो है वो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, डी वाले पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और सल्फर का तो डी हो गया, ऑक्सीजन का कौन सा होगा, तो सर ऑक्सीजन में तो पी ही रहता है, पी से आगे कुछ नहीं होता, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइए देखते हैं, लॉन पेयर क्या होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको आप लॉन पेयर कहते हो। यहाँ पे कितने के सर 2, कि सर यहाँ पे कितने के 2, कितने हो गए 4, हर एक ऑक्सीजन के पास 2 रहते हैं, इसके पास भी 2 होंगे, इसके पास भी 2 होंगे, तो 2 to 4, 4 to 6 और 6 to आपके पास क्या आ गया, 8 तो ये हो गए। अब एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में 2 लॉन पेयर होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि 1 पेयर हो गया। नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि 1 आपके पास पेयर हो गया, तो 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल आपके पास 10 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 LP होंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बॉन्डिंग पता चल गई, कौन से 2 बॉन्ड बनेंगे, कौन से, पी पाई डी पाई, टोटल 4 कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लॉन पेयर कैसे काउंट करते हैं, 2 to 4, 3, 7 और 3 आपके पास कितने हो गए, 10 हो गए, तो टोटल लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। एक क्वेश्चन और आपसे, जिसने एंड्रेस, अभी जितने एंड्रेस हुए हैं समझने पर उतने ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी होने चाहिए, कि सर हमें सब आता है। आपके पास आ गया नेक्स्ट PO4-3 फॉस्फेट आयन, पी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन पे माइनस और ऑक्सीजन पे माइनस। आपको वही बताना है कि कितने आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, कितने आपके पास पाई बॉन्ड है और साथ में कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन पे 3 ऑक्सीजन एटम है, इस पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर सब लेते हैं। फॉस्फोरस है आपके पास, फॉस्फोरस का कॉन्फिगरेशन कौन सा है, सर फॉस्फोरस का 3s2 3p3 और 3d आपके पास क्या रहेगा, 0। मैंने कहा चलो ओके, एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये तो ग्राउंड स्टेट का था, एक्साइटेड स्टेट की बात करें 3s3 3s1 3p3 और आपके पास क्या आ गया, 3d1।
ये आपके पास आ गया इसकी एक्साइटेड स्टेट। कितने सिग्मा है कि सर 4 सिग्मा, तो ये दोनों क्या करेंगे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कितने पाई है कि 8 पाई, कौन सा पाई बनेगा पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक आपके पास पी पाई डी पाई बॉन्ड और साथ में 4 सिग्मा बॉन्ड। बात लॉन्ड पेयर की, 3 यहाँ पे 3 यहाँ 3 यहाँ कितने हो गए 9 और 2 यहाँ पे रहेंगे, तो टोटल लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने आ जाएंगे, लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे 11 लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज अगर आ गया ऑक्सीजन पे तो डबल बॉन्ड 2 पेयर ये हो गए, एक नेगेटिव चार्ज का होगा, तो टोटल पेयर आपके पास कितने हो जाएंगे 3। टोटल पेयर अगर आपके पास 3 हो जाएंगे 3 3 6 3 9 और 9 और 2 आपके पास कितने हो गए 11। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कल से अपन स्टार्ट कर देंगे हाइब्रिडाइजेशन, और मजा आएगा हाइब्रिडाइजेशन में, और उसके बाद